दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ क्राउन प्लाजा, जो आपको पता है कि 5 पिल्ले और 1 माँ का रिलोकेशन का केस हुआ था, वहीं पे खड़ा हूँ। और जैसा कि कहा जा रहा था कुछ लेडीज के द्वारा कि यहाँ पे कोई खाना खिलाने नहीं आता, केयर नहीं करता, ये फ्रेंडिकोस की गाड़ी है। आप फ्रेंडिकोस गए हो तो ये हमारे भाई आपको दिखे होंगे सारे वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हुए। ये देखिए ये यहाँ पे रोज डेली जो है खाना खिलाने आते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ SOS और ये भाई साहब आते हैं ये खाना खिलाने, अमर सिंह जी केयर टेकर है उन पिल्लों के। और ये सलमान भाई आते हैं, नहीं आते एक रात को आ रहा है एक सुबह आ रहा है। तो इतनी अगर केयरिंग हो रही है दोस्तों तो यहाँ से कुत्ते उठाने की जरूरत क्या, मुझे समझाओ। शेल्टर में डालने पे तो मरी जाएंगे वो, क्यों क्या कहते हो भालू भाई, शेल्टर में कभी मत डालो और यहीं पे हमेशा रखने चाहिए डॉग, और रख के आप फीड करो। ये देखो यहाँ पे कितना झूठ बोला जा रहा था कि कोई खाना खिलाने आता है, ये सारे खाना खिलाने रोज आते हैं। ये देखो कुत्ते को ढूंढ ढूंढ के खिलाते हैं, क्लियर इनका कहना है, यही सही है नहीं? तो दोस्तों ये इसी तरह से फीडिंग होनी चाहिए, सब कुत्तों को उठा के आप अगर कहीं डाल दोगे तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे, फिर एनिमल वेलफेयर किस चीज का हो गया। इसलिए कभी किसी के डॉग को रिलोकेट मत करो, और ये सच्चाई आपके सामने है। ये फ्रेंडिकोस वाले आज डेट क्या है, 26 जुलाई, और टाइम क्या हुआ है जी, टाइम हुआ है 10:30। तो दोस्तों ये देखो एम्बुलेंस रोज आ रही है और यहाँ पे खाना खिला रहे हैं फ्रेंडिकोस वाले, फ्रेंडिकोस एका। तो आप बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट में रखिएगा कि क्राउन प्लाजा पे ऐसा नहीं है कि फीडिंग नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉपर फीडिंग हो रही है। और भालू भाई ये अमर सिंह जी हैं, वो सामने जो बिरला मंदिर है वो देखिए, वहां पे फीमेल और बच्चे रखे हुए, तो आप हमेशा उसको जरूर देख लिया करना, ठीक है ना, उसको बस माँ को खाना अच्छे से खिला देना, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने सच्चाई आ चुकी है, धन्यवाद। और आशा करता हूँ आपको इससे काफी जो है सच्चाई जो साफ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई होगी। ठीक है जी अमर सिंह जी, ठीक, धन्यवाद।